और अब बात चित्रकूट की हुंकार की भी करते हैं, जिसमें भाजपा ने विपक्ष में खलबली मचा दी है। आज सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा, वहीं यूपी की सभी 80 सीट जीतने का मंत्र देते हुए मंदाकिनी के घाट से बुंदेलखंड की बदहाली से खुशहाली का जिक्र भी जमकर किया। मतलब 24 का चुनाव का भले 20 महीने 24 के चुनाव में दूरी हो, लेकिन भाजपा ने अभी बिगुल बजा दिया है। चौबीस का ब्लूप्रिंट तैयार, चित्रकूट से योगी की हुंकार। 80 सीट का टारगेट सेट, तीसरी बार होंगे बै। भगवान राम की तपोभूमि चित्रकूट में 72 घंटे का मंथन कर भाजपा ने 24 की लड़ाई का बिगुल बजा दिया है, या यूं कहें सीएम योगी ने यूपी की सभी 80 लोकसभा सीट को जीतने का रोड मैप तैयार कर लिया है। पहले दो दिन तक जो रणनीति भाजपा के महारथियों ने बनाई थी, उसे सीएम योगी ने नई रफ्तार दे दी है, क्योंकि जब सीएम योगी चित्रकूट पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले बुंदेलखंड की बदहाली और उस पिछड़ेपन का जिक्र किया जिसने दशकों से बुंदेलखंड को जकड़े रखा था। लेकिन बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनने के बाद इसे नई रफ्तार मिल गई। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में बुंदेलखंड को 2014 के बाद विकास, जन सुविधाओं और ईज ऑफ लिविंग की उन सभी सुविधाओं का लाभ मिलता हुआ दिखाई दिया है, जिसके लिए दशकों यहां के लोगों ने आजादी के बाद प्रतीक्षा की। आज हर बुंदेलखंडवासी आपके नेतृत्व में गौरव और गरिमा महसूस करता है, क्योंकि बुंदेलखंड के विकास को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए और प्रत्येक उत्तर प्रदेशवासी और भारतवासी के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए आपने जो दिशा पूरे देश को दी, उत्तर प्रदेश उसी को अंगीकार करते हुए आगे बढ़ रहा है। भाजपा की कोशिश इस बार यूपी में हर सीट पर कमल खिलाने की है, जिसके लिए पार्टी ने अपने सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को केंद्र की मोदी सरकार और सूबे की योगी सरकार के काम को जनता तक पहुंचाने का टारगेट दिया है। हम सब कार्यकर्ताओं को बहुत ऊर्जा मिली है चित्रकूट धाम में आकर के। मैं संगठन के प्रति आभार प्रकट करता हूं, जिस ढंग से कार्यकर्ताओं के एक साथ रहना हुआ, यहां कुछ सीखने का अवसर मिला, बाबा कामतानाथ जी के दर्शन हुए, मंदाकिनी माँ के दर्शन हुए, आशीर आरती, बहुत अद्भुत दर्शन। सर, 24 के प्लान को लेकर क्या बात हुई, किस तरह से आगे बढ़ेंगे? देखिए, हर तरह से भारतीय जनता पार्टी हमेशा तैयार है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से ऊर्जा लेकर के हमारे सभी कैबिनेट मंत्री, पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी, सभी हमारे जिला प्रभारी सभी मौजूद थे, और तीन दिनों में करीब 14 सत्रों में, उद्घाटन और समापन को लेकर के 14 सत्रों में ये 3 दिन का हुआ, बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ग था। और हर विषयों पर, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, और हर विषयों पर हमारे जो वक्ताओं ने हम सबको जो है मार्गदर्शन दिया है, और ऊर्जा लेकर के आज सभी लोग जा रहे हैं, उसका समापन अभी माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने किया। वही भाजपा की नजर यादव, जाटव और पसमांदा मुसलमान वोट को अपने पाले में लाने की है, ताकि वोट बैंक के जरिए विपक्षी खेमे में सेंध लगाई जा सके। धर्मनगरी चित्रकूट में भारतीय जनता पार्टी का 3 दिवसीय प्रदेश प्रशिक्षण वर्ग खत्म हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता और पदाधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी यहां पर उत्तर प्रदेश में सरकार को सुशासन देने की बातें बताई। सत्रों को संबोधित किया गया और ये बताया गया कि किस तरह से सरकार काम कर रही है, संगठन काम कर रहा है, और सरकार और संगठन के सामंजस्य और समन्वय के साथ आगे बढ़ते हुए साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी करनी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में चित्रकूट जिले के बारे में ये बताया कि कैसे चित्रकूट से लोग आने से परहेज करते थे, क्योंकि कनेक्टिविटी इस क्षेत्र से नहीं हुआ करती थी, खासतौर से बुंदेलखंड अछूता रहता था, और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की सौगात खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी है। लेकिन भाजपा के इस प्रशिक्षण शिविर को लेकर सूबे की राजनीति खूब गरमाई रही। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर निशाना साधा, तो भाजपा ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई है ना।
ये उनकी सोच है, उनकी सोच है, अपना जो चला रहे हैं वो दिमाग या जो बोल रहे हैं इसी के कारण वो सरकार में नहीं आए। हम समाज सेवा कर रहे हैं, गरीबों की सेवा कर रहे हैं, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, महिलाओं के लिए कार्य कर रहे हैं, इसलिए दोबारा सरकार में आए। अखिलेश जी को मेरा सुझाव है कि जनभावना की आदर करना सीख लें, नहीं जो बचा कुचा राजनीतिक अस्तित्व है वो भी खत्म हो जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक जीवंत राजनीतिक दल है, हम किसी दिन भी खाली नहीं बैठते हैं, हर रोज काम करते हैं और उसी काम का एक हिस्सा है ये प्रशिक्षण वर्ग। हमारे मंडल स्तर पर भी होते हैं, बूथ स्तर पर भी होते हैं, विधायक, सांसद, मंत्री सभी लोगों के निरंतर होते रहते हैं, उसी के क्रम में ये है। हमारा मुख्य ध्येय है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की फिलॉसफी पर आधारित। हमारे राजनीतिक दल के द्वारा जहाँ जहाँ हमारी सरकारें बनी हैं, जहाँ नहीं बनी हैं, वहाँ लोगों के बीच में जा करके उन सारे उद्देश्यों को पूरा करना जो हमारे लक्ष्य हैं। मतलब एकदम सीधा है, भाजपा ने 72 घंटे के मंथन से 80 सीट के अमृत की गोलबंदी कर दी है और अब सबकी निगाहें 24 की लड़ाई पर हैं, जिसके लिए सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटे हैं। लेकिन किसकी रणनीति किस पर भारी पड़ेगी ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।